हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेई का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे आपका। इसका पोस्ट कोड था 923 और मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 10 अगस्त 2021। आज की डेट में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है। नॉन टेक्निकल पार्ट हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं DPSP, इनसे रिलेटेड है कौन सा पार्ट? ए है पार्ट 4। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी। क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है काफ़ी दिनों से, तो जिनका भी आने वाले तिथियों में एग्जाम है तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा। DPSP को जो है लागू करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति अधिकतम इतने समय के लिए मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में प्रोविज़न है ऐसा कि अगर कोई किसी भी संसद का किसी भी जो है सदन का सदस्य नहीं है तब भी जो है उसे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो उसमें अधिकतम टेन्योर बताना है आपको, अधिकतम कितने समय तक के जो है उसे रखा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा 6 मंथ, ठीक है। मैक्सिमम जो है बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए कोई मंत्री पद जो है ग्रहण कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सिर्फ इन्हीं आधारों पर जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सुप्रीम जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हें किस बेस पे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें हटाया जा सकता है या एक न्यायाधीश वहाँ का जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे किस बेस पे हटाया जा सकता है? या तो दुर्व्यवहार करे या हो असमर्थ हो, उस पद के लिए जो है असमर्थ हो, योग्य नहीं हो, तब उन्हें जो है हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया चलती है और आपने मुझे बताना है कि इन्हीं से मिलता जुलता एक और हमारा पद होता है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, UPSC के जो हेड होते हैं वो, या फाइनेंस जो हमारा कमीशन है उसके हेड, ठीक है। उन्हें हटाने का भी जो है सेम प्रोविज़न है, तो कमेंट करके बताइएगा UPSC या फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत IMF का सदस्य कब बना? IMF से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो सदस्य बना था वो बना था 24 दिसंबर 1945 को भारत जो है IMF का हेड जो है सदस्य बना था। IMF से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? IMF से एक तो डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछता है, जो भी लो ग्रेड के एग्जाम रहते हैं वहाँ पे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है अक्सर, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डी सी के अंदर। और इसकी जो स्थापना ईयर है वो पूछी जाती है कि कब जो है एस्टेब्लिश हुआ, तो 1946 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत में की गई कमी की अवस्था को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है, द टर्म यूज्ड इन डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज डेफ्लेशन, इसको बोलते हैं डेफ्लेशन। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अपस्फीति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, शनि के वलयों की खोज की थी, तो जो हमारा शनि ग्रह है उसमें रिंग्स है कुछ, ठीक है, इस तरीके से रिंग्स बनी हुई है, तो उन रिंग्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक ही गई थी, गैलीलियो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, 1610 में जो है गैलीलियो ने इनकी खोज की थी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन इंटरनेशनल डेडलाइन डज नॉट कट फिजी आइलैंड टू कीप द सेम डे एज ए, ठीक है, फिजी द्वीप समूह को जो है इंटरनेशनल डेडलाइन नहीं काटती है, जिससे यहाँ का जो दिन है किसके समान होता है? यहाँ का जो दिन है वो न्यूजीलैंड के समान होता है, जो समय फिजी में होगा वही सेम जो है दिन आपका समय न्यूजीलैंड में होगा। बाकी होनोलुलु आपका समोआ और ये टोंगा जो आइलैंड है इनका जो समय है वो आगे पीछे है इससे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन हैं, यहाँ से देखिएगा हमारा हिमाचल जी के शुरू होता है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर के अंदर लोकेटेड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान क्वेश्चन है। इनका नाम रखा गया है चौधरी सरवण कुमार के नाम पे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और YS परमार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी है YS परमार यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे है? वो लोकेटेड है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट के नौणी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रॉरिक आर्ट गैलरी HP के किस स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है रॉरिक आर्ट गैलरी? तो ये है नगर के अंदर, मैंने पहले भी आपको बताया था, आई थिंक थर्ड टाइम ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अंद्रेटा में कौन सी है? तो अंद्रेटा में है शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? ये अंद्रेटा के अंदर है, भरमौर चंबा से पूछा जाता है। चंबा में कौन सा म्यूजियम है? ये है भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है? ये चंबा के अंदर है, ठीक है। सुजानपुर में है आपका सैनिक स्कूल।
सुजानपुर से पूछा जाता है, ये आपका यहाँ पे सैनिक स्कूट है। नेक्स्ट देखिएगा, जरार फूक की शादी एचपी के किस जिले की जनजातियों में प्रचलित है। ठीक है, एचपी कर रहा है, हिमाचल नहीं लिख रहा पूरा इसको भी, तो हिंदी में जरार फूक की जो है एक शादी की कौन सी ट्राइब की जो है, ये है आपकी कांगड़ा प्लस चंबा दोनों की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जरार फूक की। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, दोनों ए एंड बी। नेक्स्ट देखिएगा, किस वायसराय ने नाल देहरा के नाम पर अपनी पुत्री का नाम रखा था, तो किसने रखा था, ये रखा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन क्या क्या, एक तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि नाल देहरा का जो है डिजाइन हो किसने तैयार किया था। नाल देहरा है क्या, बेसिकली ये नाइन होल जो है, नाइन होल वाला गोल्फ कोर्स है जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये गोल्फ कोर्स है। इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही इसका डिजाइन तैयार किया गया था, और लॉर्ड कर्जन ने ही अपनी जो इनकी थर्ड बेटी थी अलेक्जेंड्रा करके उनका नाम था, ठीक है, उनका नाम जो है बाद में नाल देहरा रख दिया था इस ग्राउंड के नाम पे। नेक्स्ट देखते हम, एस्प्रिन का साधारण नाम क्या है, द कॉमन नेम ऑफ एस्प्रिन। ठीक है, तो इसका जो नाम है साधारण नाम की अगर हम बात करें तो एस्टाइल सैलिसिलिक इसका जो है एसिड, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद संहिता के एक चौथाई स्रोत यानी 1/4 जो उसके स्रोत है वो किसको डिनोट करते हैं, ये करते हैं आपके इंद्र को, भगवान इंद्र को। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ऋग्वेद जो कि हमारा चार वेदों में सबसे पुराना वेद है। ठीक है, टोटल वेदों की संख्या कितनी है, टोटल वेद है चार, पूछा जाता है टोटल वेद कितने हैं, चार वेद है, उपनिषद कितने हैं 108 है, और पुराणों की संख्या अगर हम बात करें तो पुराण कितने हैं 18 है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा, मौर्य साम्राज्य के उत्थान के पूर्व अशोक ने वायसराय के रूप में यहाँ सेवाएं दी थी, तो अशोक जो था मौर्य किंगडम, मौर्य जो साम्राज्य था, ठीक है, उसका जो है राजा बनने से पहले, शासक बनने से पहले वो वायसराय हुआ करता था कहाँ का, तक्षशिला का, तक्षशिला जो कि अभी करंटली कहाँ पर है, ये आपकी पड़ती है पाकिस्तान के अंदर, कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, यहाँ का जो है गवर्नर हुआ करता था उस समय। नेक्स्ट देखिएगा, इसने जो है शासन कब किया था, तो 269 ईस्वी से जो है इसने शुरू किया था। नेक्स्ट देखिएगा हम यहाँ पे, बंदा सिंह बहादुर को किस सुल्तान के आदेश से फांसी दी गई थी, तो बंदा सिंह बहादुर, ठीक है, इन्हें किसके किस कौन से सुल्तान के आदेश पे जो है फांसी दी गई थी, तो ये था आपका फारूक शियर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। खानवा का युद्ध लड़ा गया इनके मध्य, तो खानवा का जो युद्ध है पानीपत के युद्ध के बाद हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ। ठीक है, बाबर ने जो है जो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, तीन चार लड़ाइयाँ जो भी लड़ी बाबर ने, ये सब में जो है जीता था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1527 में जो है ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय के द्वारा निम्न में से क्या लिखा गया, तो राजा राममोहन राय ने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा तुहफतुल मुहाफुद्दीन। ठीक है, रिटन बाय राजा मोहन राय, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कल परसों का जो एग्जाम था उसमें भी रिपीट हुए थे। मंडी शहर की राजसी राज्य की शाखा कौन सी थी, तो स्क्वेयर जो है इसकी एक जो है शाखा थी, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बसपा वैली, ठीक है, बसपा वैली इज आल्सो नोन एज सांगला वैली, ऑप्शन नंबर डी, और इसके साथ साथ इसको बोलते हैं तुपका वैली। ठीक है, याद रखिएगा, नेक्स्ट में पूछा जा सकता है, तुपका वैली भी इसी को बोलते हैं, सांगला वैली भी इसी को बोलते हैं, लोकेटेड कहाँ पे है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंद्रहार दर्रा कांगड़ा जिले को एचपी के किस स्थान से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से जोड़ता है इंद्रहार दर्रा, तो इंद्रहार दर्रा जो है कांगड़ा और आपके चंबा को जोड़ता है, चंबा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, भरमौर, कौन सा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। किस देश ने कोविड 19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत की है। अब देखिए, जो मैं एक जो है कम्युनिटी जो टैब है वहाँ पे क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है, मैं परसों ही इस क्वेश्चन को डालने लगा था लेकिन मैंने डाला नहीं वहाँ पे, और ये आज ही पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये भारत द्वारा जो है शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको करंट अफेयर बताऊँ कि करंट अफेयर कहाँ से आ रहे हैं, तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो आज के जो करंट अफेयर है, ये जून 2021 के हैं, कब के हैं, जून 2021 के। मैंने आपको वेबसाइट बताई थी जीके टुडे, जीके टुडे,
अभी क्या कह रहे हैं, कुछ एक बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे कवर करना है। तो देखिएगा, इसमें आपको जो है जैसे भी आने वाला पेपर है आपका, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का है, क्लर्क का एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको करंट अफेयर करना है, कम समय में कवर करना है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ये जो है वीकली, जैसे आप इनकी करंट अफेयर ओपन करोगे, हालांकि कुछ एक तो पेड है लेकिन उसमें वीकली जो है कुछ एक MCQ देखते हैं, ये MCQ की जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें उसमें जो है 10 या 15 जो है वीकली MCQ रहते हैं, वहाँ से आप जो है वीकली वाले जो MCQ है उन्हें कवर कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं, ठीक है। GK टुडे वेबसाइट है। नेक्स्ट देखिएगा, नफ्ताली बेनेट जो कि हाल ही में चर्चा में थे, किस देश के जो है नवनिर्मित प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने हैं इजराइल के, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके जून 2021 के है। अब्दुल्ला शहीद जो कि UN महासभा में क्षेत्रीय सत्र के नामित अध्यक्ष है, वो किस देश से है, तो ये है मालदीव से। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, बी इज रिलेटेड टू GJ, उसी प्रकार PS किससे संबंधित होते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस फाइव का जो फॉर्मूला लगा है, बी प्लस फाइव, बी आता है आपका दो पे, उसमें पाँच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, G7, ठीक है। ई आता है पाँच पे, उसमें अगर हम पाँच जोड़ेंगे तो हो जाएगा J, ठीक है। P आता है आपका कितने पे, 16 पे, और S आता है 19 पे। 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना चल जाएगा, 21, 21 आता है आपका इसके अंडर 21। तो U से अगर हम देखें यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, उसके बाद S आता है आपका 19 में, 19 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 24, 24 पे आता है आपका X, UX, यानी यू, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से संत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जो है रिवाल्सर से संबंधित है, तो यह है लोमेश ऋषि, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। मिंडल देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो मिंडल देवी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने एक दो पेपर में देखा था, ये पूछा गया था। मिंडल देवी जो टेम्पल है ये है देवी कोठी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बिल्ट किया गया था, तो दिस इज बिल्ट बाय राजा उमेद सिंह द्वारा जो है ये बनाया गया था, मिंडल देवी मंदिर देवकोठी। नेक्स्ट देखिएगा, डल मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है, तो सभी को पता है डल झील कहाँ पे है, धर्मशाला में है, वहीं पे मेला लगता है डल मेला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रास नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है, तो रास नृत्य मनाया जाता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। HRTC की स्थापना, तो HRTC जो है कब बना था, ये बना था 1974, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। मुझे भी कमेंट करके बताइएगा आप HRT मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के जो है करंट HRT मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था टोटल हमारे कितने नेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क है 5, तो सिंबलवाड़ा कहाँ पे है, सिंबलवाड़ा है सिरमौर के अंदर, कुल्लू के अंदर है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। लाहौल स्पीति की बात करें, लाहौल स्पीति में आपका पिन वैली नेशनल पार्क, टोटल 5 नेशनल पार्क है जिसमें से, ठीक है, जिसमें से जो है 3 नेशनल पार्क कहाँ पे है, 3 नेशनल पार्क है कुल्लू के अंदर, एक तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया आपका, उसके बाद है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क और एक है आपका इंद्र किला नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये कुल्लू के अंदर है, और सिरमौर के अंदर है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, और लाहौल स्पीति में आपका पिन वैली नेशनल पार्क। HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जस्टिस एच एस ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी। अगर फुल नेम की बात करें तो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, फाउंडर ऑफ कुनिहार डोमिनियन। तो इन क्वेश्चन को तो जो है आप आंख बंद करके याद कर दीजिएगा, इन्हें जो है रिपीट कर रहा है एग्जाम बोर्ड, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसकी जो स्थापना थी अभूज देव द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ये जम्मू साइड से आया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल के निकटतम ऊपरी होती है, तो सबसे नीचे आता है हमारा कौन सा, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लेयर है ये सबसे अच्छी होती है किसके लिए, प्लेन उड़ाने के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उत्तम जो लेयर है, ठीक है, वो है समताप मंडल। जो क्षोभ मंडल है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मौसमी जो घटनाएं होती है वो कहाँ पे होती है, तो जो सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं होती है, ठीक है, वो होती है आपकी क्षोभ मंडल के अंदर, मौसमी घटनाएं टेक प्लेस क्षोभ मंडल। नेक्स्ट देखिएगा, अम्मान किस देश की राजधानी है,
अमान इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन, कहाँ की कैपिटल है, ये है जॉर्डन की। असम में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है असम के अंदर, यहाँ पे है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पेरियार की बात करें, पेरियार कहाँ पे है, ये केरला के अंदर है। बांदीपुर की बात करूँ तो बांदीपुर है कर्नाटका के अंदर, बांदीपुर कहाँ पे है, ये कर्नाटका में अंदर है। और दुधवा नेशनल पार्क ये है आपका उत्तर प्रदेश के, इसके बारे में भी काफ़ी टाइम पूछा गया है, पूछा जाएगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अभी जो है इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सिनोनिम आपको बताना है सोलिसिट का, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा बीसीच, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग, जो भी ऑथर जो है राइटिंग लिखते हैं उसमें जो नेम वो अडॉप्ट करते हैं ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिडोनियम। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देयर बिंग नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, ही वॉज अक्यूटेड ऑफ द चार्ज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी ऑफ आ जाएगा इसमें। मीनिंग ऑफ द idiom, idiom दे रखी है टू कूल वंस हील, अपने हील्स को जो है ठंडा करना, मतलब कि टू रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आराम करना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तपोवन का जो संधिव छेद होगा वो होगा तपह जमा वन ठीक है। जैसे मनोरथ का पूछा जाता है उसमें मना जमा रथ आता है ठीक है, उसी तरह से जो आपको इसमें याद करना है तपह जमा वन। नेक्स्ट देखिए, नीलकमल में समास, तो नीलकमल का जो वैसे समास है वो है कर्मधारय समास आता है आपका किसके अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय में जो है प्रत्यय कौन सा है, तो राष्ट्रीय में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यहाँ में ई प्रत्यय है, ई है ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कांसा का पर्यायवाची, कांसा का जो पर्यायवाची है वो है दीप्तलोह, इसका जो पर्यायवाची है वो है दीप्तलोह। तो ये क्वेश्चन पेपर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।